को लाभ का धंधा बनाने की बात पर सरकार द्वारा जोर दिया जाता है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कृषि उपकरणों एवं खाद बीज भी अनुदान पर दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये योजनाएं कितनी पात्र हितग्राही पर पहुंचती है ये बताना मुश्किल है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिले या ना मिले, फिर भी किसान को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती तो करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला कनौत तहसील के ग्राम भिलाई में देखने को मिला, जहां अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए माँ बेटी मिलकर डोरे चला रही है। अपनी फसल में उगे अवनाशित घास के लिए बेटी बनी बैल और माँ डोरे से संभाल रही है। इस संबंध में पंचायत सचिव राजेश भगवान ने बताया कि कारीबाई को पंचायत स्तर से पीएम आवास, शौचालय, कल्याणी पेंशन और बीपीएल कार्ड का लाभ दिया गया। पात्रा अनुसार जो भी योजनाएं आएगी उनका भी लाभ प्राथमिक दिया जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर के वर्मा से चर्चा करके तो उन्होंने बताया कि अब तक मुझे ये मामला जानकारी में नहीं था, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिया जाएगा। आपका कार्य भाई अच्छा कौन सा गांव है? भिलाई। आप ये खेत में क्या कर रहे थे? ये गुड़िया के साथ डोरा कर रहे थे। क्यों? बैल नहीं है। अच्छा आपके पति? पति शांति होगा स्टूडेंट। अच्छा तो जमीन कितनी है आपके पास में? 4 एकड़। बैल वगैरह कुछ नहीं है? बैल वगैरह कुछ नहीं है। आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ था? 3 साल होगा। अच्छा सरकार से आपको खेत के बारे में कोई योजना का लाभ मिला? कुआ वगैरह मिला? नहीं मिला कुछ? नहीं मिला, आवास कुटी मिली। आवास कुटी मिली? और इसके अलावा दूसरा लाभ नहीं मिला? इसके अलावा कहीं नहीं मिला। अच्छा खेत में सिंचाई के लिए कोई साधन है, पानी का क्या है? कहीं भी नहीं है, नदी में थोड़ा बहुत है, यही है, नहीं तो कहीं नहीं। अच्छा फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? ऐसा ही करा अभी या थोड़ा थोड़ा है खेती में, उसमें गुजर करा। अच्छा और आपके लड़के वगैरह? लड़के वगैरह एक है। अच्छा कितना बड़ा वो? छोटा है, 10 साल। 10 साल का है। हमने आज आपकी जानकारी प्राप्त होते ही हमने अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जानकारी लेने के लिए उनको भेजा है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को। और अगर ऐसी कुछ उनको आवश्यकता लगी तो हम कृषि विभाग की जो भी योजना है प्राथमिकता के आधार पर उनको उपलब्ध कराएंगे। और अभी भी अगर वो चाहें तो हम उनको उड़द का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, मक्का भी दे सकते हैं, जिसमें 75% छूट होती है सूर्यधारा योजना के अंतर्गत, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। और भविष्य में अगर उनको कीटनाशक की आवश्यकता भी लगेगी तो जो भी शासकीय अनुदान होगा उसका उनको पूरा लाभ दिलाएंगे। और उस गांव में लाभ दिलाया है, हो सकता है कि वो हमारे मित्र किसान से संपर्क रहने में छूट गई हो, तो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विशेष रूप से आज ही जाकर संपर्क करके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराएंगे। अच्छा सर कुछ जिम्मेदारी किसान मित्र की भी होती है कि अगर चलो किसान अगर मान लो उसको टाइम नहीं है या वो नहीं मिल पाया? हाँ ये हमारे शासन की योजना ऐसी है ही कि किसान मित्रों के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर के छोटे से छोटे किसान तक पहुंचकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि किसान मित्र के माध्यम से कुछ बह गई हो तो हम उन्हें भी अलर्ट करेंगे कि वो ऐसे किसानों को ना छोड़ें जो कि बेचारे ज़्यादा गरीब हैं, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाएंगे। सर ग्रामीणों का आरोप है कि जो बड़े बड़े किसान हैं ट्रैक्टर वाले हैं उनको लाभ दिया जाता है लेकिन गरीब किसानों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला सही है? देखो ग्राम में तो जो किसान संपर्क में आते हैं और जिस दिन ये आवश्यकता की लोगों को लगती है तो हम किसी को ऐसा छोड़ते नहीं है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि इस बार शासन ने काफी सामग्रियां भेजी हैं और विशेष तौर से सूरजधारा अन्नपूर्णा का तो काफी बीज इस क्षेत्र में, क्योंकि ट्राइबल एरिया जाता है तो उनकी तो पूर्ति हमने लगभग अधिक से अधिक की और अभी भी हम उपलब्धता में है कि हम बीज दे रहे हैं। सर जैसे आप बोल रहे हो कि किसान जो संपर्क में आता है तो लगभग किसान वही संपर्क में आता है जो संपन्न होता है, क्योंकि ऐसे महिला किसान या गरीब व्यक्ति तो चलकर जा नहीं सकता है। तो किसान मित्र के माध्यम से हम ऐसे लोगों को पास विशेष अलर्ट करेंगे, अब विशेष मीटिंग भी करेंगे जिसमें कि किसान मित्रों को कहेंगे कि ऐसे लोग ना छूटे, इनको प्राथमिकता का। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच तहसील के ग्राम बेहरा खेड़ी में किसान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेत पर जाने को मजबूर हैं। किसान रस्सी के सहारे नदी पार कर खेती करने जाते हैं, साथ ही महिलाएं व बच्चे भी जुगाड़ की रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसे में अगर किसी की जान पर बन आए तो भला इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के समय ही आती है। बारिश ज्यादा होने से नदी में पानी ज्यादा रहता है जिससे गांव से नदी पार करके किसानों को खेत पर जाना पड़ता है,
जिससे किसानों को अपने खेत तक जाने में अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक शिकायत भी जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिली। ना तो खेत तक जाने के लिए सड़क बनी, ना पुलिया बना और ना ही कोई दूसरा रास्ता है। 100 मीटर के आगे यह नदी क्षेत्र की सबसे बड़ी काली सिंधी नदी में जाकर मिलती है। किसान अपने खेत तक जाने के लिए रोजाना इसी प्रकार मौत को हथेली में लेकर तार और रस्सी के माध्यम से निकलते हैं। ऐसे में कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके बाद देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सोलंकी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। ये बेराखेड़ी से एक नदी निकली है जो कि काली सिंध नदी में जाकर मिलती है। गांव के काफी किसान जो है नदी के उस पार उनकी जमीन है, उस जमीन को करने के लिए जाते हैं। कोई रास्ता नहीं है, जुगाड़ का उन्होंने एक पुल बनाया है जिसे हम रस्सी का पुल कहेंगे, तार का पुल कहेंगे। काफी समस्या आ रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समस्या हमने तो हमारे पंचायत द्वारा लिख के दिया है। अच्छा, आगे जनपद में पहुंचाया उसको। अच्छा, ठहराव प्रस्ताव हुआ पंचायत से। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि अगर उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो क्या कारण रहा होगा? कारण क्या हुआ, आगे एस्टिमेटिंग कहता है ना पंचायत में, वो बड़ा पुलिया बनाना पड़ता है, पंचायत के पास इतना पेमेंट देते नहीं है वो। अच्छा, पंचायत में इतना पेमेंट नहीं देते? हाँ, ये नहीं देते। क्या वास्तविकता, लोगों को परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, वो निकलने की समस्या, लेडीज से निकला था नहीं वहाँ पे, कैसे निकले सब समस्या हर आदमी मिलता है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा होता तो उसका फिर जिम्मेदार कौन रहेगा? सर हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे तो जो उसमें क्या है, अभी तार अपनी पंचायत के अंडर ये। हाँ, जो पंचायत बेरा खेड़ी और दोनों की क्रॉसिंग में है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मानक लाल झाला सरपंच। यहाँ पर से जो लोग तार से निकल रहे हैं, क्या कहानी है विस्तार से बताइए जरा। ये क्या है, ग्राम पंचायत बेरा खेड़ी और पटाड़िया ताज, ये दो गाँव की मिलकर जमीन है, उसके उस पार मेरी भी जमीन इस पार ही है। तो क्या है कि ये जो खाल है, जो बड़ा नाला है, नदी भी कह सकते हैं इसको, इसमें पानी बहुत भरा रहता है। यहाँ पर रास्ता नहीं है किसी प्रकार का जाने का। ये जो दो तार बांध रखे हैं, एक तार के ऊपर चलना पड़ता है, दूसरे तार को ऊपर हाथ से पकड़ना पड़ता है, जब जाके उस पार जाया जाता है। अच्छा, ये जो नदी है, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर साल आप? ये तो वर्षों से, हम तो क्या, हमारे पूर्वज भी इस तरह से मतलब परेशान होते हुए, खेती इसी प्रकार से करते हुए गुजर गए वो लोग। कई बार तो कुछ घटना भी होती होगी, बहुत सारी घटना होती है। महिलाओं से आपने बात करी, बताया होगा कि महिलाएं गिर जाती है, बड़ी मुश्किल से निकल पाती है, अपने पतियों को साथ में लेके आती है, जब जाके इस पार से उस पार जाती है। महिलाओं के साथ बच्चे भी जाते होंगे? हाँ, बच्चे भी जाते हैं, निंदाई खुदाई के लिए खुरपी है, दराता है, कुलाड़ी है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, पानी है, खाद है, बीज है, सभी इस प्रकार से ले जाया जाता है। आपने कभी इसको लेकर कभी किसी अधिकारी से या फिर जनप्रतिनिधि से बात करी है? समय समय पर इसके लिए मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं है। अभी आप क्षेत्र की जनता क्या चाहती है सरकार? क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि किसान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसान की सरकार, और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बड़े बड़े वादे करे थे किसानों से कि ये है 2 लाख है, 3 लाख है, ये सारी चीजें से तो जो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये जो मूलभूत सुविधा है ये तो कम से कम उपलब्ध किसानों को होना चाहिए कि उनको उनकी फसल करने के लिए, उनकी खेती को उचित ढंग से करने के लिए, आवागमन के लिए इस प्रकार की जगहों पर रास्ते बनने चाहिए, जो कि एक छोटी पुलिया में भी काम हो जाएगा। कोई गाँव के उधर कितनी एकड़ जमीन होगी बता सकते हैं? ये दोनों गाँवों की मिलाकर कम से कम 2-1 हजार बीघा के लगभग जमीन होगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है उस पार? कोई रास्ता नहीं है। कई लोग तो फसल कर भी नहीं पाते होंगे? नहीं कर पाते ना, जिनके पास में व्यवस्था नहीं है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनसे इस तार के ऊपर अपने हाथ धूसते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, गिरने का डर लगता है, वो अपनी जमीन छोड़ देते हैं। आपका नाम और गाँव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह चौहान है, मैं बेराखेड़ी का निवासी हूं और मैं भी किसान हूं, मेरी जमीन भी उस पार है। हमें बड़ी समस्या आती है और सरकार से यही निवेदन है कि इसको तुरंत यहां पर एक छोटी पुलिया का निर्माण किया जाए जिससे कि एक बड़ी जनहानि होने से बचा जा सके। बताइए, दो पंचायतों के बीच का मामला है, ग्राम पंचायत बेराखेड़ी और पटाड़िया ताज, चूंकि आप युवा सरपंच हैं यहाँ के और जनता ने आपको चुना है। कई प्रकार से लोग यहाँ पर अपनी खेती पे जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं रस्सी और तार के सहारे, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर जो पुल नदी है वहाँ पर पुल बनना चाहिए, शासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव खेत पर जाने के लिए महिला और बच्चे साथ में जाते हैं जिससे कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए शासन को वहाँ पर कुछ पुल बनाना चाहिए।
अच्छा, गांव के लोगों ने आपको यहां पर सरपंच बनाया है, आपकी क्या जवाबदारी बनती? कभी आपने आगे जाके कोशिश करी है या ठहराव प्रस्ताव कराया, कभी आगे जाके सरकार को लिखित में आवेदन दिया है कि यहां पर पुल बने? हमारे द्वारा पंचायत में ठहराव प्रस्ताव जो मीटिंग रहती है उसमें ठहराव प्रस्ताव बना के भेज दिया था, लेकिन उस और वो अब ये जिला जनपद की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने उनको ध्यान देना चाहिए, हमारे द्वारा वहाँ पर अवगत करवा दिया था। अच्छा, कोई ऐसी राशि नहीं आती जिससे हम टेम्परेरी कोई अभी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे लोगों को अपनी जान का खतरा ना रहे और ये आसानी से अपने खेत पर निकल जाए, ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते क्योंकि पंचायत में इतने पैसे ही नहीं आते, छोटा गांव है, 3-4 लाख रुपए आते हैं यहाँ पर 5-6 महीने में, लेकिन वो हम इसमें गाँव का जो समस्या बाकी उसमें काम कर सकते हैं, और यहाँ पर जो समस्या है वो बहुत विकराल बड़ी समस्या है, इतने पैसे में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप यहाँ के युवा सरपंच है, आपने कभी आगे रह के इस मुद्दे को उठाया है, जनप्रतिनिधि से बात की, आगे सरकार से बात की है? नहीं, सरकार जो हमारे द्वारा जो था ठहराव प्रस्ताव लेके हमने भेज दिया था, लेकिन वो आगे अब जनपद के ऊपर है। अच्छा, कल से कोई बड़ा हादसा होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार हमारे द्वारा तो हमने अवगत करवा दिया था, अब उनको ध्यान देना चाहिए, वो रहेंगे उसमें। आपका नाम? शासन के ऊपर। आपका नाम और पद बता दीजिए। रोहित परमा, सरपंच प्रतिनिधि पटेड़ा ताज। गैरतगंज के गाड़ी चौकी से महज 2 किलोमीटर दूरी पर देर रात करीब 3 बजे अज्ञात लुटेरों ने मिट्टी की गिट्टी लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने सबसे पहले भोपाल से बैरगंज जा रहे ट्रक ड्राइवर को लूटा। जब ट्रक ड्राइवर रापी से पंचर हुए ट्रक को बदलने के लिए उतरा तभी अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को जमकर पीटा और करीब 15,000 रुपए छीन कर ले गए। वहीं दूसरी घटना भी कुछ इसी समय बाद हुई जब गैरतगंज से भोपाल जा रहे एक ट्रक को भी इसी तरह से लूटा गया और दोनों ट्रक से करीब 26,000 रुपए की लूट की गई। लुटेरों ने दोनों ट्रकों के ड्राइवर क्लीनर से मोबाइल छीन लिया और जमकर पिटाई की गई जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का हाथ भी टूट गया। लुटेरे जाते समय जब उनका मोबाइल उन्हें वापस देके गए उसके बाद डायल 100 को फोन लगाया जो मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए गैरतगंज स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है। वहीं अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, रात में क्या घटना हो गई थी ट्रकों के साथ लूट? रंजीत पाल निवासी देवनगर ने थाना गैरतगंज में रिपोर्ट किया कि वह अपने ट्रक लेके भोपाल जा रहा था सामान लेके, तो अज्ञात लोगों ने सड़क पे मिट्टी के साथ गिट्टी लगा दी जिससे उसका टायर पंचर हो गया। जब वो टायर सुधारने के लिए नीचे उतरा तो मारपीट कर उससे 26,000 रुपये छीन लिए हैं। पुलिस ने 394 का अपराध कायम किया है, घायलों का इलाज भी कराया है और तफ्तीश जारी है, हम शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। कितने ट्रक के साथ हरकत हुई? 2 ट्रक थे, एक भोपाल से बेगमगंज तरफ आ रहा था और एक ट्रक गैरतगंज से भोपाल की तरफ जा रहा था। टोटल कितने की लूट हुई? 26,000 रुपये के लगभग की लूट। थैंक यू।